Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. गिरफ्तारी दो रेफरेंसेज में अजीजिया स्टील मिल का जो रेफरेंस है और 16 ऑफशोर कंपनीज का जो रेफरेंस है उसमें काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, जबकि एवन फील्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं उससे मुतालिक जो उनकी जमानत पहले से मौजूद है, जो इस्तिस्ना उनको दिया गया उसमें उनके जमानती को बुलाया गया है और ये कहा गया है कि वो आकर वजाहत पेश करें कि आखिर वो पेश क्यों नहीं हो रहे। और तरीक़ाकार के मुताबिक गवाहान के बयान उस वक्त तक रिकॉर्ड नहीं हो सकते जब तक तमाम ही मुलजमान कमरा अदालत में मौजूद ना हो। तो आज की जो अदालती कार्रवाई है उसमें गवाहान के बयान रिकॉर्ड नहीं हो सके। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर अदालत से अब जा चुके हैं। इस मौके पर मरियम नवाज ने गुफ्तगू भी की है और एक तो वही पुराना मौकफ जो वो बार बार दोहरा रही हैं, आज के रोज़ भी उन्होंने दोहराया कि हमें सज़ा पहले दी गई और एहतसाब बाद में हो रहा है, सवालात बाद में हो रहे हैं, नाअहल किया गया और अब अदालती कार्रवाई हो रही है। आज एक और अहम बयान उन्होंने ऐड किया है अपने इस बयान में और ये कहा है कि कानून की जल्दबाजियाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही खानदान के लिए हैं और अगर ऐसे ही कार्रवाई होगी तो फिर सवालात तो उठेंगे। जी हाँ, मरियम नवाज बोली कि कानून की जल्दबाजियां सिर्फ एक खानदान और मुंतखब वजीर आजम के लिए थी, ऐसे कार्रवाई होगी तो सवाल तो उठेंगे। उन्होंने कहा कि पहले नाअहल कर दिया गया फिर उसके बाद कार्रवाई की जा रही है। मरियम नवाज आज भी काफी यूं दिखाई दिया कि नाला है और कहा कि VIP एहतसाब कमर दर्द का बहाना करके छुप जाने को कहते हैं और हमारा कोई VIP एहतसाब नहीं हो रहा, बल्कि हमारे साथ तो इम्तियाजी सलूक इस तरह से हो रहा है कि हमें पहले सजा दे दी गई है बाद में ट्रायल हो रहा है। मरियम नवाज जो कि इससे पहले भी जब अदालत में पेश होती रही हैं उसके बाद वो आकर मीडिया से रस्मी या गैर रस्मी गुफ्तगू भी करती हैं जिसमें इसी किस्म के ख्यालात का इजहार करती हैं जैसा कि आज भी उन्होंने किया और कहा कि ऐसे कार्रवाई होगी तो सवाल तो उठेंगे। बहुत ही कानून जल्दबाजी में दिखाई दे रहा है और ये सब कुछ सिर्फ नवाज शरीफ के लिए है, बाकी लोग तो कमर दर्द का बहाना करके भी चले जाते हैं। एक मुंतखब वज़ीर आज़म को सिर्फ एक एकामा की बुनियाद पर नाअहल कर दिया गया, ओहदे से हटा दिया गया, बरतरफ कर दिया गया। नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ नहीं मिला ना आइंदा मिलेगा। नायब अरकान भी बरतानिया से खाली हाथ वापस आ गए हैं, इससे पहले JIT अरकान भी गए थे लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिला था। तो मरियम नवाज की गुफ्तगू जिसमें उन्होंने भरपूर अंदाज से अपने वालिद को डिफेंड किया है और इसके साथ साथ अदालत को तंकीद का निशाना भी बनाया है। इस तरह से आपने कहा कि नाला है, नाराज हैं, अदालती प्रोसेस से मुतालिक तंकीद हो रही है, तो इसकी एक बड़ी अहम वजह यह भी है कि उनकी वालिदा बीमार हैं लंदन में और जो अदालती प्रोसेस है उसका उन्होंने हिस्सा भी रहना है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान से जा भी नहीं सकती, तो वो भी एक वजह है कि इस तरह से फिर तंकीद की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इतनी जल्दबाजी है कि सज़ा हमें पहले दी गई और हिसाब बाद में हो रहा है, सवालात बाद में हो रहे हैं। इस वक्त जो आप मनाज़िर देख रहे हैं ये काफिला रवाना हो रहा है मरियम नवाज का, वापस जा रही हैं वो और कैप्टन रिटायर्ड सफदर अदालत से रवाना हो चुके हैं। इस मौके पर उनकी जानिब से गुफ्तगू भी की गई है। हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद जो अहम नुकात हैं उनकी गुफ्तगू के वो शेयर करेंगे। आमिर बताइएगा मरियम नवाज ने क्या गुफ्तगू की। जी, मरियम नवाज ने एक बार फिर इस पूरे ट्रायल को तनकीद का निशाना बनाया। उनका ये कहना था कि सिर्फ मुंतखब जो लोग हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनके खिलाफ ये तमाम तर कार्रवाइयां की जा रही हैं। उनका ये कहना था कि उजलत में ये तमाम केसेस तैयार किए गए और उजलत में ही तमाम तर कार्रवाई की जा रही है, मुकम्मल मौका नहीं दिया जा रहा सफाई का और फिर ट्रायल का जो हक है बुनियादी वो नहीं दिया जा रहा। इस पर मरियम नवाज ने तफसीली गुफ्तगू की। अब कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी अदालत से बाहर आ चुके हैं और वो भी रवाना हो रहे हैं, वो भी अब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मरियम नवाज पहले रवाना हो चुकी हैं यहाँ से और उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की और उन्होंने तमाम तर बात बताई। आज की जो पूरी प्रोसीडिंग थी उसमें फाजल जज बहुत बरहम नजर आए लेकिन उन्होंने जब दोबारा समाज शुरू की तो उन्होंने एक बात को वाजे किया। उनका कहना था कि मैंने किसी फरीक के बारे में जो है वो किसी फरीक का साथ नहीं देना, मैंने आयन और